शहर में वैसे भी दिनों दिन हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब उसी श्रृंखला में एक और हत्या का समावेश हुआ है। ये मामला कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का है, जहां सिर्फ आरोपियों को घूर के देखने जैसे मामूली विवाद के चलते चार आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आखिर क्या है ये संपूर्ण मसला, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कोतवाली थाना क्षेत्र में सिर्फ इस बात पर युवक की हत्या कर दी गई कि उसने एक बदमाश को घूर कर देखा था। मृतक अजी रेलवे क्वार्टर निवासी विके दामोदर रुकड़ी बताया गया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो भूतेश्वर नगर निवासी भूषण भूति व सारंग बावनकर और शिवाजी नगर निवासी कृष्णा मोदीकर व शुभम मुंडी बताए गए। विके रेलवे का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। आपराधिक प्रवृत्ति का होने से उसे निलंबित कर दिया गया था। उस पर चार संगीन मामले दर्ज है। विके चारों आरोपियों और अपने दोस्त मुकेश वासनिक के साथ नंदाजी नगर में हल्दी कार्यक्रम में गया था। यहाँ किसी बात पर हुए मामूली विवाद में विके ने आरोपियों को घूर कर देखा। इसके बाद उनके बीच विवाद और बढ़ गया, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने जैसे तैसे मामला शांत करा दिया। इसके बाद फिर से शिवाजी नगर गेट पर विके और आरोपियों का सामना हो गया। यहाँ भी उनके बीच विवाद शुरू हो गया। आरोपियों ने अकेला देख विके पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह बुरी तरह जख्मी हो गया और उसने वही दम तोड़ दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जल्द ही पता चल गया कि हत्या भूषण, सारंग, कृष्णा और शुभम ने मिलकर की है। तुरंत ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी और देर रात तक उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। कोतवाली थाना अंतर्गत चिटनविसपुरा पुलिस चौकी के अंतर्गत शनिवार रात्रि 12 के सुमारास एक विक्की रोकड़े नामक माणसाची हत्या झालेली आहे। ते विक्की रोकड़े अजनीमध्ये राहत होता आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहे त्यांच्याकडे ते भोजन करण्यासाठी आला होता आणि 12 सुमारास त्यांच्या चार लोकांनी मिळून मर्डर केलेला आहे। त्या लोकांचं नाव शुभम भूते, सारंग बावनकुळे, शुभम मुंडे आणि कृष्णा मोदेकर आहे। आणि या जी हत्या झालेली आहे त्यामध्ये दोन चाकूचे वार आहे आणि दगडचे वार पण त्यांच्या शरीरावर आहे। आतापर्यंत जे आरोपींचा आम्ही इंट्रोगेशन केलेला आहे त्यांनी आता सांगितलेलं आहे की ह्या हत्या जे आहे ते एका दुसऱ्याला ते घूर के देख रहे थे आणि त्या कारणावर त्यांचा भांडण झाला आणि हे भांडण 10 झाला आणि 12 ते चारी लोक मिळून आले आणि त्यांनी हत्या केली। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही विक्की की पत्नी गांधीसागर तालाब में कूदकर आत्महत्या करने के लिए गई थी, लेकिन गणेशपेट पुलिस ने उसे बचा लिया। उसे थाने लाकर विक्की को सूचना दी गई, लेकिन वह नहीं पहुंचा। उधर पकड़े गए आरोपियों में से 3 पर पहले ही हत्या का मामला दर्ज है। ऐसे में पुलिस को शक है कि विक्की की हत्या की सुपारी भी दी गई हो। इस दिशा में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।